क्लास 11 के केमिस्ट्री के लिए इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। देखिए, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल बिहेवियर को एस्टेब्लिश करता है। इससे पहले हमने बात किया था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव बिहेवियर और पार्टिकल बिहेवियर दोनों होता है। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था प्लैंक के क्वांटम थ्योरी पे, जहां पर कि हमने ये देखा किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल बिहेवियर को एस्टेब्लिश किया गया। यहां इस वीडियो में भी हम एक दूसरे एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे, जहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल बिहेवियर एस्टेब्लिश होगा। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसे पहली बार ऑब्जर्व किया था हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। उन्होंने 1887 में इसे ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने इसे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था क्लासिकल फिजिक्स से। उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स से इसे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया और वो फेल हो गए। लेकिन उसके बाद इसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सामने आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, और 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन वो क्लासिकल फिजिक्स का मदद नहीं लेते हैं, बल्कि वो मॉडर्न फिजिक्स का सहारा लेते हैं, जो कि आज मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, उसका वो सहारा लेते हैं। खासकर उन्होंने सहारा लिया था जो प्लैंक का क्वांटम थ्योरी है उसका। चलिए, इन चीजों पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जैक्टली है क्या, और हर्ट्ज ने एग्जैक्टली क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। तो इसके लिए उन्होंने जो एपरेटस यूज किया था वो कुछ ऐसा था कि यहां पर यूज किया गया एक वैक्यूम ट्यूब, एक बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब, और ये ग्लास ट्यूब है जो अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। सो ये ग्लास का ट्यूब है, और यहां पर एक वैक्यूम पंप के साथ इसे जोड़ा जाता है, और इसे अंदर जो है जितना एयर है उसे निकाल दिया जाता है। अब यहां पर दो प्लेट्स यूज किया जाता है, एक प्लेट और दो प्लेट, दो मेटालिक प्लेट्स। इन मेटालिक प्लेट्स को जोड़ दिया जाता है एक बैटरी के साथ, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। सो यहां पर बैटरी का इस साइड में पॉजिटिव टर्मिनल और अपोजिट साइड में निगेटिव टर्मिनल, और इधर से इस प्लेट को जोड़ दिया जाता है। ये बैटरी का पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल, और बीच में यहां पर एक एमीटर जोड़ा जाता है। सो ये रहा एमीटर, ये एमीटर है, और इसे चलिए ए से डिनोट करते हैं, और इसका एरो अभी इंडिकेट कर रहा है कि इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, भले ही बैटरी जुड़ा हुआ हो, लेकिन यहां पर देखिए सर्किट जो है ये ओपन है, इसीलिए कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन हर्ट्ज ने क्या किया, ये ऑब्जर्व किया कि जब यहां कोई लाइट इंसिडेंट करता है इस मेटालिक प्लेट में, सो जब लाइट इंसिडेंट करता है, तब होता यह है कि इस एमीटर में होता है डिफ्लेक्शन। अब एमीटर में डिफ्लेक्शन कब हो सकता है, जब करंट का फ्लो हो इस सर्किट में। सो एमीटर में यह डिफ्लेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि करंट का फ्लो हो रहा है इस तरह से, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन यहां पर तो सर्किट ओपन है, तो यहां से करंट का फ्लो कैसे हो रहा है। यहां से करंट का फ्लो जो हो रहा है, हर्ट्ज ने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, जैसे ही लाइट यहां इंसिडेंट कर रहा है इस मेटालिक प्लेट में, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होके यही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है इस प्लेट तक। तो जब इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, जब ये निगेटिव चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट में पहुंच रहा है, तो वही निगेटिव चार्ज इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाता है। तो हम कह सकते हैं कन्वेंशनल करंट जो है कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और उसी के कारण एमीटर में हो रहा है डिफ्लेक्शन। अब देखिए, इसे इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइट जो है, लाइट का ही नाम है फोटो, फोटो लाइट को ही कहा जाता है। अब ये लाइट इंसिडेंट करने से, मतलब फोटो इंसिडेंट करने के कारण क्या हो रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक
इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका नाम पड़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि लाइट इंसिडेंट करने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो इस तरह से इसका नाम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा। लाइट इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से एमिट हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का जो बेसिक बिहेवियर है, इन इलेक्ट्रॉन्स का भी वही बेसिक बिहेवियर है, फंडामेंटली ये एक इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन चूंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इजेक्ट हो रहा है, फोटो इंसिडेंट करने के कारण इजेक्ट हो रहा है, तो इसे एक स्पेशल सा नाम दिया गया कि यह है फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यह था ये फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में ये जो ऑब्जर्व किया हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो उन्होंने इस इफेक्ट का तीन फंडामेंटल बिहेवियर, तीन बेसिक बिहेवियर ऑब्जर्व किया। उन्होंने सबसे पहले तो ये पाया, सबसे पहले उन्होंने ये पाया कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट कर रहा है तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, मतलब तुरंत इस सर्किट में करंट दिख रहा है, एमिटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुआ, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होता है इमीडिएटली करंट जो है फ्लो करने लगा। तो ये तो पहला उन्होंने ऑब्जर्व किया, पहली चीज जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये इमीडिएटली हो रहा, जैसे ही लाइट यहां पर इंसिडेंट कर रहा इमीडिएटली करंट फ्लो कर रहा, मतलब हम कह सकते हैं कि इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस सरफेस से, इस मेटालिक सरफेस से इजेक्ट हो रहा है। दूसरा चीज उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, सो इंटेंसिटी जो इंसिडेंट लाइट है उसका इंटेंसिटी को जब बढ़ाया गया, इंटेंसिटी बढ़ाने से जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये करंट इंक्रीज कर रहा है। अब आप गौर से सोचिए करंट बढ़ने का मतलब क्या है। करंट बढ़ने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए तो करंट बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर यहां तक पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट यहां पर एस्टेब्लिश होगा इस सर्किट में। तो उन्होंने ये पाया कि जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसका इंटेंसिटी अगर बढ़ाया जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ रहा है। ये दूसरी चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि उन्होंने ये पाया, तीसरी चीज उन्होंने ये पाया, इसके लिए हम एक एग्जांपल अगर कंसीडर करें पहले तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने ये पाया कि जो मेटालिक प्लेट है, मेटालिक प्लेट जो है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो मेटालिक प्लेट है वो पोटेशियम का है, उन्होंने मान लेते हैं कि पोटेशियम का मेटालिक प्लेट यूज किया, तो उन्होंने ये पाया, जब उन्होंने पोटेशियम का मेटालिक प्लेट यूज किया तो उन्होंने ये पाया कि जब रेड लाइट इसमें इंसिडेंट हो रहा है, हाई इंटेंसिटी का रेड लाइट, बहुत ज्यादा इंटेंस रेड लाइट, बहुत ही ज्यादा ब्राइट रेड लाइट यहां पर इंसिडेंट करवाया जा रहा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिख रहा है, बल्कि अगर बहुत फेंट येलो लाइट यहां पर इंसिडेंट करवाया जाए तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख रहा है। उन्होंने यह पाया कि बहुत ही फेंट येलो लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पर दिख रहा है। सो रेड लाइट में कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखा, जबकि येलो लाइट में उन्होंने ये पाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा। तो यहां पर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूं कि रेड लाइट इंसिडेंट तो किया पर कुछ हुआ नहीं पोटेशियम सरफेस में जब इंसिडेंट किया, लेकिन येलो लाइट इंसिडेंट करते साथ यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एमिट होने लगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने लगा। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि रेड लाइट जो है इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये येलो लाइट के फ्रीक्वेंसी से कम होता है, येलो लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, बहुत सारे मेटल्स में जब उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने ये पाया कि अलग अलग मेटल्स के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, उससे कम फ्रीक्वेंसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर इंसिडेंट करवाया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। तो उन्होंने ये पाया फॉर ईच मेटल, चलिए कुछ एग्जांपल यहां पर कंसीडर करेंगे, फॉर ईच मेटल देर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। मतलब कि मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए, उससे कम फ्रीक्वेंसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं। और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अलग अलग मेटल्स के लिए ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। और इसे कैसे सिंबलाइज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है और यहां पर एक नॉट लगा दे। सो ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। सो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। चलिए यहां पर इस एग्जाम्पल को ही कंसिडर कर लेते हैं। जो रेड लाइट होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, सो फ्रीक्वेंसी फॉर रेड लाइट इज नियरली 4.3 to 4.6 × 10⁻¹⁴ इतना हर्ट्ज होता है। और जो येलो लाइट का फ्रीक्वेंसी है, सो फ्रीक्वेंसी फॉर येलो लाइट इट इज 5.1 to 5.2 × 10⁻¹⁴ इतना हर्ट्ज होता है। और जो पोटेशियम प्लेट है, पोटेशियम प्लेट के लिए जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, पोटेशियम प्लेट के लिए थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इज फॉर पोटेशियम इस एग्जांपल के हिसाब से। सो पोटेशियम का थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है 5 × 10⁻¹⁴ इतना हर्ट्ज। तो यहां पर आप गौर करें, जैसे हमने बात किया था अलग अलग मेटल्स के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, जिसे कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो पोटेशियम मेटल के लिए जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये 5 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज है। यहां तक तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इससे नीचे का फ्रीक्वेंसी हो किसी लाइट का तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे कि रेड लाइट के केस में देखें, उससे कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिख रहा है। जबकि अगर येलो लाइट को कंसिडर किया जाए तो उस केस में देखे इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इसीलिए यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख रहा है। So, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण क्लासिकल मैकेनिक्स यहां पर फेल होता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लें। और एक चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया यहां पर कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी इस यहां से जो बाहर निकला इसके पास कुछ स्पीड होगा जिसके कारण इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट का जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है इसका काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से मेजर किया जाता है वो 11th के इस वीडियो का मुद्दा नहीं है। इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे कि इस काइनेटिक एनर्जी को मेजर कैसे किया जाता है, ये आप स्टैंडर्ड 12th में जाके पढ़ेंगे कि कैसे एग्जैक्टली इसके काइनेटिक एनर्जी को मेजर किया जाता है, जिसके लिए मैं एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि क्लास 12th का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वीडियो होगा फिजिक्स के लिए। तो वहां पर जाके आप देखेंगे बहुत सारी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें आप वहां पर जाके देखेंगे। यहां पर तो आप कह सकते हैं क्लास 11th में हम एक ओवरव्यू लेते हैं चीजों का। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स है हम उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फिजिक्स में जाके पढ़ना है 11th में और फिर 12th में, तब जाके उन चीजों को आप आगे चल के समझेंगे। इसीलिए डिटेल्स में आप फिजिक्स में जाके आप वहां पर क्लास 12th में जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल तो चलिए इसी का ओवरव्यू ले लेते हैं और इसका जो एसेंस है और किस तरह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल बिहेवियर को एस्टेब्लिश करता है वही हमें देखना है। तो हमने क्या पाया कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो चाहिए होता है फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए, और साथ ही साथ जो फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब यहां पर ये जो 3 नंबर वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को एक्सप्लेन करते हुए हर्ट्ज जो है, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से या क्लासिकल फिजिक्स का है, आप क्लासिकल फिजिक्स से जो एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे थे वहीं पर वो फेल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं ये 3 नंबर पॉइंट
में कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होता है। तो यहां पर आता है क्लासिकल मैकेनिक्स का एक्सप्लेनेशन, जो कि हर्ट्ज ने कोशिश किया इसे एक्सप्लेन करने का। सो फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स फेल होता है। सो फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स, जो कि हर्ट्ज ने इसे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था और वो फेल हो गया था। यहां पर देखिए क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है। क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है कि कोई भी इंसिडेंट लाइट हो, इंसिडेंट रेडिएशन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उस रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एनर्जी है, वो एनर्जी, ये एनर्जी जो है ये प्रोपोर्शनल होता है उसके इंटेंसिटी पे। तो अगर ऐसी बात है तो इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा एनर्जी होगा उसके पास, उस रेडिएशन के पास, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास। तो इस केस में देखिए, रेड लाइट जो इंसिडेंट करवाया गया वो हाई इंटेंसिटी का रेड लाइट था, बहुत ही हाई इंटेंसिटी का, जबकि येलो लाइट बहुत ही डल था, बहुत ही लो इंटेंसिटी का था। तो इसका मतलब तो ये बना कि यहां जो इंसिडेंट रेड लाइट है, क्लासिकल मैकेनिक्स ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रेड लाइट है उसके पास ज्यादा एनर्जी है, एनर्जी जो है इस केस में बहुत ज्यादा है, लेकिन येलो लाइट के पास एनर्जी कम है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी जो है कम दिया गया था, बहुत ही डल येलो लाइट यहां पर इंसिडेंट करवाया गया था और यहां बहुत ही ब्राइट रेड लाइट, बहुत ही इंटेंस रेड लाइट यहां पर इंसिडेंट करवाया गया था। तो ऐसी बात अगर है तो इस केस में तो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी है, पर ऐसा नहीं होता है इस केस में, इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं हो रहा था। तो इसीलिए ये जो है एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है, ये पूरी तरह से फेल हो जाता है इसे एक्सप्लेन करने में। ये फेल, वैसे तो देखा जाए तो ये एक फेल्ड थ्योरी नहीं है, बहुत सारे जगह पे हम इससे बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इस केस में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में, ये पूरी तरह से फेल हो जाता है। अब सेवियर के तौर पे कौन आते हैं समझाने के लिए, इसे एक्सप्लेन करने के लिए? सेवियर के तौर पे आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में, और उन्होंने यूज किया प्लैंक का क्वांटम थ्योरी। तो अब आता है एक्सप्लेनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। और उन्होंने जो इसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने प्लैंक का क्वांटम थ्योरी यूज किया। उन्होंने ये कहा कि एनर्जी जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है, या आप कहें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूअस वेव की तरह नहीं होता है, बल्कि वो एनर्जी के पैकेट के तौर पर होता है, छोटे 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 एनर्जी के पैकेट्स के तौर पे होता है, और हर एक पैकेट का एनर्जी होता है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट या दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज था, जिसे कि प्लैंक ने पहली बार कहा था, और इसी को अल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रैब कर लेते हैं और इसी से एक्सप्लेन करने का इसे कोशिश करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सक्सेस होता है यहाँ पर। जैसे कि हमने देखा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और इसी एजम्पशन से प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था। तो उसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसी कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लेते हैं और यहां से उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। अब देखें, इसी चीज को, इसी एग्जांपल को जो हमने यहां पर कंसीडर किया था, पोटेशियम सरफेस में रेड लाइट, ब्राइट रेड लाइट और डल येलो लाइट इंसिडेंट करने से क्या हो रहा है, हमने ये देखा। अब उसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं आइंस्टाइन, चलिए देखते हैं। तो ये पोटेशियम का सरफेस या पोटेशियम प्लेट, एक बार रेड और एक बार येलो, वो कहते हैं कि जो एनर्जी है वो तो पैकेट के तौर पे है, छोटे छोटे पैकेट्स के तौर पे है, और एक एक पैकेट्स का जो एनर्जी है ये है h इंटू न्यू, न्यू मतलब रेड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होगा। अब जब येलो लाइट यहां पर इंसिडेंट कर रहा है तो येलो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्वियसली ज्यादा है। सो यहां पर एक एक फोटोन, इसे नाम दिया गया फोटोन एक एक पैकेट्स को, तो एक एक फोटोन का जो एनर्जी है यह प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट।
अब देखें, येलो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है ये रेड लाइट के फ्रीक्वेंसी से काफी ज्यादा है, मतलब इसके पास जो एनर्जी है एक एक फोटॉन के पास, देखिए हम मॉडर्न फिजिक्स यूज कर रहे हैं, तो एक एक फोटॉन के पास जो एनर्जी है ये एनर्जी काफी ज्यादा है, जबकि रेड लाइट के केस में एनर्जी जो है फोटॉन का, एक एक फोटॉन का, ये काफी कम है रिलेटिवली। अब एक एक फोटॉन जो है सरफेस में या सरफेस के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ इंटरैक्ट करता है। सो अंदर जो एटम का इलेक्ट्रॉन है एक बार में एक ही फोटॉन को ग्रैब कर सकता है। अब इसके पास चूंकि कम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन जब इसे अब्जॉर्ब करके बाहर निकलने का कोशिश करता है तो इसके पास उतना एनर्जी नहीं होता है, जबकि यहां एक एक फोटॉन के पास काफी एनर्जी होता है। जैसे ही एक फोटॉन को इलेक्ट्रॉन ग्रैब कर लेता है तो वही इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर एजेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसके पास अब, उस इलेक्ट्रॉन के पास अब ज्यादा एनर्जी है जिसके कारण ये सरफेस को छोड़ के बाहर निकल पाता है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर एटम के साथ बाउंड रहे तो वहां से बाहर निकलने के लिए उसे तो कुछ एनर्जी चाहिए होगा। जो एनर्जी रेड लाइट जब देता है, रेड लाइट का फोटॉन, तो वो सफिशियंट नहीं होता है, जबकि येलो लाइट जितना एनर्जी देता है वो बाहर निकलने के लिए सफिशियंट होता है। इसीलिए जब येलो लाइट इंसिडेंट करवाया जाता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है, और रेड लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता इन केस ऑफ पोटेशियम मेटल। अब ये तो उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया कि कैसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक चाहिए होगा, इंटेंसिटी चाहे आप कुछ भी रखें, एक फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एजेक्ट होने में। ये तो उन्होंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं ये जो दूसरा पॉइंट था इसे कैसे मॉडर्न फिजिक्स एक्सप्लेन करता है, जो कि इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट होगा, या फिर कहें उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट करेगा। तो यहां पर आप देखें कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम इंटेंसिटी जब बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहा है, ज्यादा ज्यादा फोटॉन आ रहा। जब ज्यादा से ज्यादा फोटॉन इंसिडेंट करेगा तो एक एक फोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ चूंकि इंटरैक्ट करेगा और उसी के कारण वो सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो ज्यादा अगर फोटॉन होगा, सो अगर फोटॉन का नंबर ज्यादा होगा, फोटॉन जो है अगर फोटॉन का नंबर ज्यादा होगा तो ये इंडिकेट करता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये भी ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने का मतलब कि करंट ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी ये ज्यादा है। तो इसी तरह से देखें इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ रहा, इस तरह से इसे एक्सप्लेन किया गया। अब आते हैं इस चौथे पॉइंट पे कि काइनेटिक एनर्जी जो है, जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहा उसका काइनेटिक एनर्जी ये डिपेंड करता है उसके फ्रीक्वेंसी पे, किसके, जो लाइट यहां पर इंसिडेंट कर रहा है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां पर इंसिडेंट कर रहा है। अब यहां से देखें ये जो येलो लाइट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये जो येलो लाइट का फोटोन है जब यहां ये इंटरैक्ट कर रहा है एक एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये यहां पर कुछ एनर्जी दे रहा। चलिए कुछ इस तरह से देख लेते हैं इसे। जब यहां पर येलो लाइट का एक फोटॉन एक इसके अंदर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ये एनर्जी इसे प्रोवाइड कर रहा। कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा, ये प्रोवाइड कर रहा प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इतना एनर्जी ये प्रोवाइड कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को। अब जैसे कि हमने देखा हर एक मेटल में एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकले, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को नाम क्या दिया गया था, इसे नाम दिया गया था न्यू नॉट या थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये जो है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। अब उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का जो फोटॉन है उसके पास एनर्जी कितना होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू न्यू नॉट, ये जो है ये मिनिमम एनर्जी है, इतना तो चाहिए ही, मिनिमम एनर्जी, इससे नीचे तो ये एजेक्ट होगा ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। सो दिस इज द मिनिमम एनर्जी, मतलब कि इतना एनर्जी इसे ठीक बाहर निकलने के लिए खपत हो जाएगा।
अब अगर कोई एच न्यू एनर्जी का फोटॉन यहां पर इंसिडेंट करे, तो ये इतना एनर्जी, एच न्यू एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया। अब बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है, इतना तो बाहर निकलने के लिए खपत हो गया। अब जब ये बाहर निकला, तो इसके पास कितना एनर्जी बचेगा? ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर निकला, तो अब इसके पास कितना एनर्जी बचेगा? ध्यान से सोचे, फोटॉन ने इतना एनर्जी दिया, बाहर निकलने के लिए इतना खर्चा हो गया, तो बाकी बचा एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। सो ये जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, ये इसके पास कुछ स्पीड होगा, उस स्पीड के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिनोट करेंगे? हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इसका जो स्पीड है, वी वी से डिनोट करता है स्पीड को, सो स्पीड का स्क्वायर। ये तो हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी बराबर होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को जितना एनर्जी दिया गया, माइनस जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा बाहर निकलने के लिए। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसे कि आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। तो यहां गौर करें आप कि अगर न्यू जो इंसिडेंट लाइट है, उसका फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है, तो ये टर्म जो है ये ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि उस मेटल के लिए ये न्यू नॉट जो है वो फिक्स है, वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है, जो कि उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। सो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। अब अगर इसे आप बढ़ाते हैं, तो ओवरऑल ये टर्म बड़ा होगा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। सो इस तरह से आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेन किया कि कैसे इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से जो काइनेटिक एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का, वो भी ज्यादा होगा। सो दिस इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आगे के वीडियोज में हम हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे बात करेंगे, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे यहां पर मिल जाएगा, और उसके आगे हम बोर्स एटॉमिक मॉडल पे बात करेंगे। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।